इसका तो फरियाट ही अलग हो रखा है, उसको तो भूख भी नहीं लग रही, नींद भूख सब गायब है, पिंजरे के अंदर वह फरफरा रखा है दुनिया भर का। पहाड़ की चेली ओरी ना त्यार खोटू घुंघरू ओरी ना। हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेखा मटपाल ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और सभी छोटे भाई बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइज, आ गई हूँ मैं फिर से बच्चों को स्कूल से लेके। कल वाला यास टाइम हो रहा है, 2:30 बज गए हैं और कल का ब्लॉग भी मैंने इसी टाइम शूट किया था और आज का ब्लॉग भी मैं इसी टाइम से शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से एडिटिंग वगैरह कर रही थी तो टाइम मुझे नहीं मिल पाया। तो गाइज़, आ गई हूँ बच्चों को लेके और फिर आई हूँ मैं अपनी रसोई में। तो आज दोनों बच्चों को लगा हुआ है जुकाम और चावल मैं बना नहीं सकती क्योंकि जुकाम, खांसी जुकाम हो रहा है तो उसमें मैं चावल उन्हें खिला नहीं सकती। तो मैं बना रही हूँ रोटी और बना रही हूँ जो आजकल यूट्यूब में काफ़ी वायरल हो रही है, वो वाली टमाटर वाली चटनी। तो गाइस, आप भी देखिए ये वायरल होने वाली टमाटर की चटनी आज मैं भी ट्राई कर रही हूँ और आपको अच्छा लगे आप मेरे ब्लॉग में ये देखो तो प्लीज़ आप भी ट्राई करें और मुझे इसका टेस्ट ज़रूर बताएँ। तो गाइस, सबसे पहले मैंने ये गैस ऑन कर ली है और इसमें मैंने ये फ्राइबिन रख दिया है और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल, 1 चम्मच करीब, ठीक है। अब ये गर्म हो जाएगा और मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 4 टमाटर और इन टमाटरों को मैं हाफ हाफ काट लेती हूँ इस तरह से और इनके जो ये इधर से ये है ना, ये जहाँ से टहनी वो होती है इनकी, इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इनको काट लेंगे। इसमें मदद से इसको ऐसे ढकूंगी जब तक ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए और इसमें काटती हूँ मैं, मेरे पास हैं 2 छोटे छोटे प्याज, ये काट लेती हूँ। तो गाइस, थोड़ी देर हो चुकी है इसको रखे हुए, अब देखते हैं इसका ये हाल हो रहा है यहाँ। तो गाइस, इसको हम ना ऐसे चम्मच से पलट देंगे, सारों को जितने भी टमाटर हैं सारे पलट देंगे। इनके सारे छिलके हम ऐसे निकाल लेंगे। सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन। तो गाइस, इसको हम अब इस तरह से मेस कर लेंगे। तो ये ठंडा होता तो मैं इसको हाथ से ही कर लेती लेकिन ये अभी थोड़ा गर्म है तो मैं इसको इस तरह से करूंगी और या तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। तो गाइस, ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा और इसमें हम अब डालते हैं ये प्याज और ये मिर्च, हरी मिर्च मैंने काटी हैं, ये प्याज डाला है इसमें, इसको मिक्स कर देते हैं इस तरह से और इसमें अब हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे मसाले वगैरह, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक डाल देंगे इसमें हम थोड़ा और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम हल्दी और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम लाल मिर्च, भी मैंने हरी करी है तो शायद ज़्यादा ना हो जाए, और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, मेरे पास नींबू है नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर डाल दूँगी चुटकी भर,
ज़्यादा नहीं डालूंगी और कर देंगे हम मिक्स इस तरह से। ये हो गया हमारा मिक्स टमाटर की चटनी। ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही है, लाजवाब एकदम पनीर की तरह। और अब हम इसमें तेल का ऐसे तड़का लगाएंगे, जो मैंने यहाँ पे फ्राईबीन दिखा फ्राईबीन मैंने ये अभी जल गया था ना थोड़ा सा, तो मैंने ये साफ कर लिया है और गैस के ऊपर रख लिया। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी तेल, थोड़ा सा तड़के के लिए तेल डाल दूँगी। और इसमें मैं लगाऊँगी करी पत्ता है, करी पत्ते का तड़का, थोड़ी सी मेरे पास है इधर जीरा, थोड़ा मैं लगाऊंगी इसमें जीरे का तड़का। तो गाइस थोड़ा सा वो कर लेती हूँ। ये लगा दिया है और मैं इसको इसमें डाल दूंगी ऐसे। तो गाइस ये हो गई है हमारी चटनी बनकर रेडी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे और हमारी रोटी खाने के लिए बहुत टेस्टी सी, बहुत स्वादिष्ट सी चटनी हो गई है हमारी तैयार। तो गाइस अब बना लेती हूँ मैं फटाफट से रोटी और फिर मिलती हूँ रोटी बनाने के बाद आपको कि खाने में इसका टेस्ट कैसा है। रोटियां हो गई मेरी तैयार और अब मैं लगाती हूँ बच्चों के लिए रोटी। और ये है हमारी लाजवाब वाली चटनी, देखते हैं खा के कि इसका टेस्ट कैसा है। ये लो बच्चों, मम्मी पकड़ो, ये देखो भैया ने ना पेच छोड़ रखे हैं। ठीक है भी देते हैं। लो ना तू रोटी पकड़ यार पहले। हाँ पराठा ले, तू भी ले जा वहाँ पे जो पड़ा है। सो गाइस अब मैंने बच्चों को ये दिया है और बच्चे खा के अभी मुझे बताएंगे कि इस चटनी का टेस्ट कैसा है। खाओ गुड। अच्छा है नमन, तो बता तो खट्टा मीठा है। मीठा कहाँ से होगा, खट्टा मीठा। अच्छा है, मैं भी खा के देखती हूँ और फिर बताती हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा है। सच में टेस्ट तो बहुत अच्छा है, क्यों बहुत अच्छा है। तो गाइस काफ़ी टेस्टी था और हमारे सारे बर्तन हो चुके हैं साफ, सारी रोटियां हो चुकी हैं फिनिश और ये रहा हमारा चटनी का कटोरा जो हमने चाट पीट के सब खा लिया है। इतना टेस्ट आ गया है कि हमने कटोरा भी चाट दिया और बर्तन सारे खाली कर दिए। बीचों के बोलना कैमरे में आगे। गाइस कल तो मैं जा रहा हूँ पिकनिक और मैं आज शाम को चिज्जा लाऊंगा बहुत सारी बस में खाने के लिए और हम जाने वॉल्वो बस में। गाइस हम भी जाएंगे ना अगले साल, जब आज अभी तो बड़े बच्चों की टर्न है उसके बाद छोटे बच्चों की टर्न है कल। और ना कल ना जंक फूड ले जाना है, कल मैं ना ब्रेड पकौड़ा ले जाऊंगी। मैं तेरे कुछ नहीं लाऊंगा गाइस, ये बोल रहा कल तो कुछ नहीं लाऊंगा ये बोल रहा। गाइस कल तो मेरे को मज़ा आएगा वाटर पार्क में, वो वाटर पार्क है। तो गाइस कल है सैटरडे और सैटरडे वाले दिन बच्चों को अपने पसंद का कुछ भी खाना ले जाना होता है स्कूल में। तो कल बुलबुल की डिमांड आई है ब्रेड पकोड़े बनाने की, तो मैं ले आई हूँ दुकान से ब्रेड और मैं लाई हूँ इस बार ब्राउन ब्रेड, वो वाइट वाली नहीं लाई हूँ ब्राउन वाली लाई हूँ और इसके बनाऊँगी मैं ब्रेड पकौड़े। और नमन तो जा रहा है कल पिकनिक पे, उसका तो फरियाटी अलग हो रखा है,
उसको तो भूख भी नहीं लग रही और कह रहा है मम्मी मैं एक ही रोटी खाऊंगा, मेरे को भूख नहीं है, बोला कल मुझे पिकनिक पर जाना है और नींद भूख सब गायब है पिकनिक पर जाने के लिए, बस घर के अंदर बस फरफरा रखा है दुनिया भर का। सो गाइस रात का डिनर हमारा हो चुका है, बच्चे सो गए हैं, उनको मैंने सुला दिया और रसोई पूरी रसोई की साफ सफाई, देख गैस भी मैंने चमका दी है और इधर सिंक भी मेरा साफ पड़ा है, सारी रसोई की सफाई मैंने कर दी है। सो गाइस आज मैंने सब्जी बनाई थी गवार की फली, तो काफ़ी अच्छी सब्जी बनी थी और इतनी एक कटोरी ये बच गई है जो हम इसको अब सुबह खाएंगे। तो आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। मैं रेखा जोशी मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।